हैप्पी बोल रहा हूँ लाल बाग से। सबसे पहले तो आज गरीब आदमी खुश हो जाएंगे क्योंकि 200 यूनिट से कम बिजली माफ है। आज मैं गर्व से कहता हूँ सर, लाल बत्ती गली गली बन गई है, सड़कें मस्त हो गई हैं। आज चलते हैं, मजा आता है, कीचड़ में पाँव नहीं पड़ते। केजरीवाल जिंदाबाद। बहुत बढ़िया। 20 साल केजरीवाल। दिल्ली का श्रवण कुमार केजरीवाल, जिन्होंने यात्राएं बुजुर्गों के लिए फ्री सेवा, जिसमें सब कुछ रह गया उसमें फैसिलिटी उनको दी जा रही है। पहला ही ऐसा तरह का मुख्यमंत्री है जिसने 15 सालों में पहला में ऐसा मुख्यमंत्री मैंने देखा है जिन्होंने ये सेवाएं फ्री कराई हैं। उनके लिए जोरदार तालियां बजानी चाहिए। 15 साल में जो कांग्रेस ने कोई काम किया, न बीजेपी कोई काम किया है, वो 5 साल 6 साल में अखिलेश पाटिल ने काम करके दिखाया। मैं ये जानता हूँ, चाहे कुछ उसका भी नंबर आएगा तब बोलिएगा, पहले ये खत्म हो जाए। हाँ, और ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि जो काम इसने 5 साल के 6 साल के अंदर में किया आज तक कोई नहीं कर पाया। बढ़िया। और कोई 15 वर्षों में कांग्रेस के काम को कुछ बताना चाहे कोई? अभी कांग्रेस वाली चर्चा कर लेते हैं, फिर आम आदमी पार्टी की चर्चा करेंगे। दे दीजिए, दीजिए माइक, दीजिए, बताइए। सर नमस्कार, हमारा राम, राम सिंह गोसाई, इसी लालबाग में रहता हूँ। पहले हम कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे, किसी महानुभाव ने जोड़े थे और किसी ने तोड़ा हम लोगों को, तो हम लोग क्षुब्ध होकर के उस पार्टी को छोड़े। क्यों छोड़े उसका रीजन हम बता रहे हैं, उसको बाद में बता दीजिए। आज आप 15 वर्षों में कुछ किया हो तो वो बता दीजिए। हाँ, वही बताने जा रहा हूँ। हमारे प्रत्याशी थे करण सिंह जी, 1998 में चुनाव लड़े। अच्छा काम तो उन्होंने ये किया कि शुरू शुरू में टैंकर चलवाए, अच्छा ठेकेदारी प्रथा लागू कर दिया उन्होंने। हफ्ते में एक टैंकर आता था और कई जगह मतलब मार झगड़े होते थे, थाने में पैसे देना पड़ता था और राशन में बहुत भारी करप्शन हो रहा था। वही तो अच्छा ही काम तो बता रहा मेरे भाई, कम से कम 6-7 बार हमको जेल भिजवाने का काम किया था करण सिंह विधायक जी ने, और पूरे के निगम पार्षद रहते हुए लथुराम नागर जी ने 6-7 बार छुड़ाए, बता रहा हूँ। वो बोले व्यक्ति काम करने वाला बच्चा अगर अपना माँ बेटा जब तक रोता नहीं माँ दूध नहीं पिलाती, बच्चा अगर रो रहा है तो अपना अधिकार मांग रहा है तो हम लोग सुनोगे? राशन की दुकानों पे दलाली होती थी, राशन जब हम लेने जाते थे। ये करने नहीं आए हम, नहीं बाद में बात करेंगे सर, सुनना तो पड़ेगा, बाद में बताइए। कोई ठीक काम भी किया है? हाँ ठीक, वो बोलिए ना। हाँ बोलिए। बीजेपी भाई देखिए ऐसा है गोसाई जी, ये बुराई निंदा तो बाद में बहुत सब करते ही करते हैं, थोड़ा अच्छी बात कर ली जाए ना। आलोचना निंदा तो यार जीवन में तमाम नकारात्मकता भरी है, सब करते हैं, रोज करते हैं। आज कुछ अच्छी बात कर तो कोई किसी को और कुछ कहना है? किसी को कुछ कहना है? ठीक, हाँ इनको नाम बता दीजिएगा। एक एक पार्टी पे चर्चा हो गई, भाजपा की हो गई, कांग्रेस की हो रही, इसके बाद आम आदमी पार्टी की भी होगी, तो थोड़ा धैर्य से बैठिए आप। सर मैं एक पंडित हूँ और मैं दीपचंद बंधु से शासनगर में रहता हूँ और दीपचंद बंधु से आया परेशान होकर, वो बाद में अभी बोल दीजिए। अब ये कांग्रेस का हो गया, भारतीय जनता पार्टी का हो गया, 4.5 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल जी की। इन 4.5 वर्षों में अरविंद केजरीवाल जी ने कुछ दिल्ली के लिए किया है कि नहीं किया है? किया है? चलो तुम्हारा भी सुन लेंगे, 2-4 लोगों के लिए मान लो, बेटा सुन, माता जी सुन लेंगे, जब कह दिया सुन लेंगे तो सारी बात सुनेंगे।
आज एक मिनट सुन लेंगे। तो अब आम आदमी पार्टी की 4.5 साल की सरकार ने चिकित्सा में, शिक्षा में, बिजली में, पानी में, सड़क पे, फ्लाईओवर पे जो जो काम किया हो उसके बारे में जो भी आपको चर्चा करनी हो ये सत्र अब उसके लिए है। हाथ उठाइए बेटा, कुछ कहना चाहता उस बच्चे को तो पहले नाम बता देना बेटा, नाम बता देना। नाम है सुबह। सामने से हट जाओ भाई, आप हट जाओ इधर से। माइक पे हमारे विद्यालय में उन्होंने कैमरे लगाए हैं। अच्छा, बहुत। और 4.5 साल में केजरीवाल जी ने जो अच्छा काम किया हो दिल्ली के लिए, केजरीवाल जी ने जो काम किया है शायद ही वो कोई कर पाएगा। मैं कांग्रेस सेवा दल का कार्यकर्ता हूँ और तहे दिल से केजरीवाल जी का स्वागत करता हूँ। और आप जितने भी सेवा दल आम आदमी को हाथ जोड़ के क्या काम किया उसकी चर्चा कीजिए करनी है। उन्होंने जो भी काम किया है देश हित में बहुत अच्छा काम किया। ठीक है, और कोई शायद ही कोई कर पाए। लेकिन एक कंप्लेंट मैं आपको देना चाहूंगा, वो अगर स्वास्थ्य मंत्री तक पहुंचा दे तो बड़ी मेहरबानी होगी। दे दीजिए, ठीक है, दे दीजिए। और इनको दीजिए, उस तरफ दीजिए। हाँ मुझे दे दो, इधर दे दो। बोलो ना जो भी। ठीक, मैं खड़ा आप बताइए। नमस्ते करते हैं और ताहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नाम बता दीजिएगा माता जी। बहुत अच्छा काम किए हैं। नाम अपना बता दीजिए। अनीता। इसलिए कर रहे हैं कि हमारा काम जो हो रहा है अभी बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे ऐसा जो विधायक है अभी तक कोई विधायक ऐसा नहीं मिला था। बहुत बढ़िया। 4.5 साल में कुछ काम किया है दिल्ली की सरकार ने। इधर दीजिए, आप हो चुके हैं, इनको दीजिए, इनको। हाँ बोलिए। अरे यार भैया का यार। माता जी नाम बता दीजिए अपना, कहाँ रहती हैं? अच्छा बताइए। हमारे यहाँ रामलीला पापन पार्क में लैट्रिन बनवाई है। सारी जनता, हम लड़की बहुएं सभी जाते हैं। ये बहुत अच्छा काम किया है। बहुत बढ़िया। बोलने दो भाई, रोका मत करो, आप पीछे हट जाओ थोड़ा, बोलने दो। हमारी बिजली भी कम हो गई है और हमको मेट्रो की सुविधा भी होने जा रही है। आरओ का पानी हम लोग पी रहे हैं, बहुत अच्छा से पी रहे हैं। बहुत बढ़िया माता जी। देखिए माताओं बहनों के लिए सबसे बड़ा संकट होता था शौचालय की व्यवस्था, उसको बता रही है कि केजरीवाल साहब ने कराया। और हमारे आदर्श नगर के विधायक सोम शर्मा जी भी आ गए, उनको बुलाइए, इनको दीजिए। आपको दिए माइक, उधर दीजिए, पीछे एक मिनट, पीछे उन्होंने पहले हाथ उठाया। अपना नाम बता दीजिएगा भैया, नाम बता दीजिएगा। हेलो, बैठ जाइए, पहले मेरी आवाज सुनिए, मेरे तरफ ध्यान दीजिएगा। मैं यहाँ पर आए हुए, मेरा नाम अंबिका प्रसाद वर्मा है, पवन कुमार भी मेरे को जानते हैं, मेरे तरफ जो है पवन कुमार जी, थोड़ा सा पीछे, महेंद्र पार्क से पीछे करिए, इधर यहाँ भीड़ चाहिए, और पीछे चलिए, पीछे चलिए। मैं इन्हीं के गली का भी निवासी हूँ, मैं पवन कुमार जी के, लालबाग का है सर, प्लीज, मॉडल टाउन विधानसभा का, मॉडल टाउन विधानसभा क्षेत्र के अखिलेश त्रिपाठी जी। इन्होंने अब आपको इनके बारे में पता भी हो गया कि इन्होंने क्या क्या करवाया है। आज तुम्हें यह भी जान करके बड़ा खुशी होगा कि इन्होंने सब चुक्कियों की सर्वे करवाई है। इस बारे में भी लोग तो ध्यान दीजिए अपने अपने, हाँ? इसके पहले बताइए कब सर्वे हुआ था और क्या आपका हुआ था। इसके बारे में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपने अपने घर पे रहिएगा। तो जिस क्षेत्र में जिस भी विधायक है केजरीवाल जी या उनके मुख्य अतिथि हैं ये सारे, आपको जो है जैसे पवन कुमार हैं, अपना ये मुख्य अपना त्रिपाठी जी हैं, ये आपके घर बैठे हुए सबको लाभ पहुंचाएंगे। धन्यवाद। इधर दीजिए सबको, इधर दीजिए।
साढ़े चार साल में केजरीवाल जी की सरकार ने जो काम किया उसको बताइए। बैठ जाओ भाई, खड़े मत, या तो तुम इधर आ जाओ। आप तो मेरा नाम लाल सिंह है। इतना क्यों यार, और पीछे जगह बनाइए, आराम से बैठिए सब। हाँ, नाम बताइए। मेरा नाम लाल सिंह है, मैं आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। सीएम साहब का एक काम बहुत अच्छा लगा, जो उन्होंने 1076 नंबर जो दिया है वो जनता के लिए दिया है, और जनता शायद इसका फायदा नहीं उठा पा रही। क्या है 1076 नंबर? 1076 नंबर पे ऐसे ऐसे कार्य हो सकते हैं, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस। बहुत बढ़िया। हम दलाल को 1000 रुपए 1500 रुपए फीस देते थे, वो हम घर बैठे 450 रुपए में मैंने खुद बनवाया है डायल करके। और जाति प्रमाण पत्र जिसके लिए हम 3-3 दिन अपने खराब करते थे, पूरा पूरा दिन हमारे को लाइनों में लग जाता था, वो भी हम 1076 नंबर से बनवा सकते हैं। ऐसे और भी अनेकों काम है जो हम घर बैठे करा सकते हैं, लेकिन शायद या तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है या लोग इसको डायल नहीं करते। लेकिन एक बार डायल करके देखो, काम आपका होता है, क्योंकि मेरा काम खुद हुआ है। इनके लिए जोरदार तालियां एक बार बजाइए सब लोग। इसलिए मैं दिल्ली सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूँ। इन्होंने क्या बताया, दिल्ली में केजरीवाल जी ने दलाली बंद करा दी, 1076 नंबर की सेवा शुरू की, आपके घर में बैठे ड्राइविंग लाइसेंस हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आय प्रमाण पत्र हो, वो सब बन जाता है। और इन्होंने खुद बताया कि इनका ड्राइविंग लाइसेंस बना कि नहीं आपका, बहुत बढ़िया। और पीछे दे दीजिए, दे दो उधर, उधर दे दो, उधर पीछे। टोपी वालों को आज नहीं बोलना अपने काम के बारे में। हाँ ठीक है, नहीं उतार दी, लेकिन टोपी वाले नहीं बोलेंगे, जनता से बातचीत है आज। सर मेरा नाम अजय कुमार है, मैं यही लालबाग शहर से ही आता हूँ। आम आदमी पार्टी ने जितना 5 साल में के दिया है, इतना किसी पार्टी ने करके नहीं दिया। पहली चीज बता दूं, जिस तरीके से गरीब आदमी के लिए स्कूलों की सुविधा दी, शिक्षा दिया, शिक्षा का काम बहुत ही बढ़िया हुआ है, क्योंकि हर गरीब आदमी की जरूरतमंद चीज है। हजारों रुपए फीस दे देते हैं, जो कि मैं आपको बता दूं, मेरा बच्चा खुद किसी हालातों कारण एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है, मजबूरन मैं उसकी 800 रुपए फीस नहीं दे पा रहा हूँ। आज मुझे मौका मिला बोलने का, मैंने बोला जो मेरे दिल में था। तो सबसे बढ़िया काम शिक्षा के स्तर पे, बहुत बढ़िया काम। दूसरी चीज जो स्वास्थ्य में, मैं खुद दीपचंद बंधु अस्पताल में देखा है कि टोटल AC का अस्पताल बना हुआ है, और वहां पे सारी दवाइयां मुफ्त मिल रही है। प्लस हम लोगों को एक जागरूक होकर, हमारे एरिया में कितनी सारी जो है मोहल्ला क्लिनिक खोली गई है, हम लोगों को जाना पड़ेगा वहां पे। छोटे छोटे डॉक्टरों को हम 50-50, 100-100 रुपए देते हैं। हम आजादपुर में डिस्पेंसरी है, वहां से मैंने अपनी वाइफ का इलाज कराया है। आकाश सिनेमा के पास मोहल्ला क्लिनिक है, वहां से मैंने अपना इलाज कराया है। आजादपुर मंडी के अंदर मोहल्ला क्लिनिक है, वहां से मैंने इलाज कराया। मात्र 15 मिनट में सारी दवाइयां मिलती है, सारे टेस्ट होते हैं। इससे बढ़िया और क्या सेवा चाहिए। जितने भी गरीब आदमी के लिए, ज्यादातर गरीब आदमी और तकरीबन सभी लोगों के लिए, दिल्ली वासियों के लिए बहुत अच्छी सुविधाएं दी है, जो आज तक किसी सरकार में नहीं दी गई है। क्या नाम है आपका? अजय कुमार सर। अजय कुमार कहाँ रहते हैं? लालबाग। मैं सर फिलहाल तो यहीं रहता हूँ। अच्छा। लेकिन मैं आपको बताया, कुछ समस्याओं के कारण अपना घर त्यागना पड़ा, यहाँ से भी मुझे त्यागना पड़ा, मैं कहीं रेंट पे रहता हूँ। ठीक है। और आज स्थिति ये है कि आप जो फीस नहीं कर पाते, तो बहुत अच्छा काम शिक्षा पे और स्वास्थ्य बहुत ज्यादा। अच्छा, और स्वास्थ्य पर केजरीवाल जी ने बहुत अच्छा काम किया है। दिल्ली में तो बाहर वाले चुप मत बैठिए। दिल्ली में तो हाथ ऊपर करके, दिल्ली में तो छतवा रवि तालियां बजाएंगे। दिल्ली में तो दिल्ली में